तस्वीरें आप इस वक्त सीधे शिवाजी पार्क के देख रहे हैं, जहां पर मंत्रोच्चार किया जा रहा है। उनका अंतिम संस्कार कुछ ही देर में मंत्रोच्चार के बाद उनकी मुखाग्नि उन्हें वहां पर दिया जाएगा। कविता कृष्णमूर्ति जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रही हैं। कविता जी, अनेकों गीत, एक पूरा अपने आप में संगीत का युग जो लता दी के गानों के जरिए है, और आपने भी हमेशा कहा है कि लता दी से बहुत प्रेरणा मिलती रही है। आज जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा है, अंतिम श्रद्धांजलि दी जा रही है, आप उन्हें कैसे याद करेंगी, और कुछ भी जो आपके निजी अनुभव उनके साथ रहे हो अगर हमारे दर्शकों को बताएं। कविता जी, आज तो नेचुरली बहुत दुख महसूस हो रहा है, लेकिन एक बात है कि लता जी, जब तक मैंने होश संभाला और म्यूजिक क्या है मैं समझ पाई, तब से लता जी मेरे हृदय में रहती हैं। और एक बहुत लोगों से हम म्यूजिक मैंने सीखा है, लेकिन लता जी से सीखा है कि फिल्म गाने कैसे गाना चाहिए, और वो मेरे लिए सबसे बड़ा गुरु वही, उनका ही मैं मतलब प्रेस दूंगी उनके लिए। और ये भी बात है कि वो मेरे हृदय में लास्ट दिन तक रहेंगे। मुझे नहीं लगता कि मेरा ऐसा एक दिन भी बीतेगा जब मैं उनका गाना नहीं सुनूंगी, या कुछ चंद लाइन उनके गानों से मैं अपने रिहर्स जब करती हूँ, मैं प्रैक्टिस करती हूँ, कुछ उनके गानों के दो तीन लाइन लेती हूँ और मैं गाती हूँ और मैं देखती हूँ कि उन्होंने कैसे गाया, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो वो तो मेरी लास्ट ब्रेथ तक, जब तक मैं गा सकती हूँ, वो मेरे हृदय में मतलब उनके गाने में गाने की कोशिश करूँगी। ऐसा है कि सबसे पहला जो भी मैंने फिल्म गाना गाया वो उनके साथ ही था। वो 1971 में एक बंगाली फिल्म बनी थी, श्रीमान पृथ्वीराज, और उसके म्यूजिक डायरेक्टर थे हेमंता। उन दिनों में मैं हेमंता के साथ स्टेज में गाती थी, तो ये हेमंता की वजह से मैं राजकमल स्टूडियोज बॉम्बे में मैं गई। और ये भी बहुत हमारी खुशनसीब है कि उन दिनों में गाने एक साथ रिकॉर्ड होते थे, तो सिंगर्स कैबिन में दो माइक लगाया गया। मेरे पास मुझे सिर्फ चार लाइन गाने थे। फिर मैं गाना सीखने के बाद जब दरवाज़ा खुला, लता जी आई, नेचुरली मैं बहुत नर्वस हो गई। मुझे पता नहीं था कि लता जी के साथ गाऊंगी मैं। तो वो गाना रिकॉर्ड होते होते फाइनली जब फाइनल माइक टेक जब आया, तो मैं तो अपनी लाइन गाने भूल भी गई, क्योंकि मैं इतनी व्यस्त थी उनको देखते हुए कि कैसे गा रही हूँ माइक पे। और उसके बाद मुझे याद है वो चश्मा को ऐसे झुकाकर मेरे तरफ मुस्कुराकर उन्होंने देखा। फिर लता जी की मैं एक बात समझ गई कि लता जी एक या दो टेक में परफेक्ट हो जाती है, उनको एक टेक से ज़्यादा दूसरा टेक भी देने की जरूरत नहीं पड़ती, और वो दूसरा टेक भी उन्होंने एकदम परफेक्ट टेक उन्होंने दिया जी। उसके बाद बहुत साल बाद मुझे उनकी प्रोफेशनलिज्म की बात मैं कह रही हूँ कि फिर डर फिल्म में एक गाना मेरा हुआ उनके साथ और पैम चोपड़ा जी के साथ, और हमारे चंद चंद लाइन थे, काफ़ी लाइंस एक साथ थे, और उनके भी लाइंस मतलब जो सोलो गाती हैं उसी तरीके से नहीं था, हम दोनों के साथ था तो लाइंस कम थे। तो वो रिकॉर्डिंग के बाद वो चली गई, और एक महीने के बाद मैं उनको एक बॉम्बे लैब स्टूडियो में जब मिली, उनका प्रोफेशनलिज्म आप देखिए, इतने साल गाने के बाद मतलब कोई ज़रूरत नहीं था उनको, पर उन्होंने मुझे कहा कि कविता, मैंने वो गाना तुम्हारे साथ जो हम लोग गाए थे ना, वो दोबारा जाके स्टूडियो में मैंने अपने लाइन्स गाए। तो मैंने कहा, दीदी आप गाएं तो आप मुझे बोलते थे, मैं भी आकर अपने लाइन्स गाने थे वापस आपके साथ। बोले, नहीं तुम्हारी लाइन्स की प्रॉब्लम्स नहीं थी, मैं अपना बेस्ट गा नहीं सकी उस दिन, इसलिए मैं वापस गई और मेरे से जितना हुआ मैंने पूरा कोशिश करके वापस मिलाई उस पर। तब मुझे पता चला कि कितनी प्रोफेशनल और कितने परफेक्शनिस्ट है ये, कि जब तक उनका बेस्ट नहीं आता वो माइक के सामने वो लाइंस वो गाएंगी नहीं, या गाएंगी तो फिर वो दोबारा जब तक उनको ठीक नहीं लगता वो गाना रिलीज नहीं होगा। तो बहुत सारी चीज़ें उनसे मैं सीख पाई, और मुझे लगता है कि ऐसी एक जिंदगी जहाँ पे आप वतन के गाने बोलिए, रोमांटिक हैप्पी सॉन्ग्स बोलिए, रोमांटिक सैड सॉन्ग्स बोलिए, ड्यूएट्स बोलिए, वॉइस में ऐसी स्पिरिचुअलिटी है उनके वॉइस में कि मुझे तो लगता है जैसे अगर वो गा रही है कि आ जाने जा,
एक है आइटम्स नंबर है, फिर वो आइटम नंबर भी मैं सुनती हूँ तो मुझे वहाँ स्पिरिचुअलिटी नजर आता है उनका। इस तरह के आर्टिस्ट तो मतलब सौ सौ साल ऐसे जन्म, लता जी जैसे कोई आर्टिस्ट जन्म ले लेगा। और मैं मेरे मुझे यही है कि उनको मैं मिल पाई, इस जन्म में उनको मिल पाई।